बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। भाई फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स की बुक है और चैप्टर नंबर 2 है काइनामेटिक्स। आज जो है मैं इसके चैप्टर के जो है आपको एमसीक्यूज़ और कंस्ट्रक्टेड और एक्सटेंडेड जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो करवा दूंगा। पहले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर टू डिस्प्लेसमेंट वैक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 मीटर एंड 8 मीटर शुड बी कम्बाइंड। तो उसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन डी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकंड है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकंड एंड आफ्टर 5 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकंड। द वेलोसिटी 3 सेकंड बिफोर इन मीटर पर सेकंड इज ऑप्शन बी 4 मीटर पर सेकंड। एमसीक्यू नंबर 3, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर सेकंड, इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर ऑप्शन नंबर बी है बाई 20 सेकंड्स। 4 है, टू प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60° एंड 30° रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ऑप्शन ए, द रेंज विल बी सेम। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज ऑप्शन बी यूनिटी और लेस। 6 है, इफ़ द एवरेज वेलोसिटीज ऑफ अ बॉडी बिकम इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद ऑप्शन बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है, एट द टॉप ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द एक्सीलरेशन इज, तो जाहिर है 9.8 है, तो इसको इन्होंने ग्रेविटी का जी लिखा है, तो ऑप्शन डी। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो भाई ये आपका 76, ऑप्शन सी 76°। एमसीक्यूज़ नंबर 9, एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट इज, तो ऑप्शन बी 45°। 10 है, इफ़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वैनिशेस द वेक्टर विल बी, ऑप्शन सी है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये आपके एमसीक्यूज़ हो गए हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो सबसे पहले जो हैं वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज़ द रेंज इक्विवेलेंट टू द हॉरिजेंटल डिस्टेंस इन द प्रोजेक्टाइल मोशन और डू दे हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर जो है मैंने लिखकर दे दिया है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं 5 मतलब लॉन्ग भी, ये सब मैंने लिखकर दे दिए, आप चेक कर सकते हैं। सेकंड, इफ एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू अकाउंट इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन देन व्हाट पैरामीटर ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इन्फ्लुएंस्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर सम रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कैन मोशन ऑफ एन एरोप्लेन बी कंसीडर्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्सप्लेन। तो ये मतलब शॉर्ट ही हैं, जाहिर है इनको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, ख़ुद बनाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डू वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इन आवर डेली लाइफ, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स। तो ये इसका आंसर भी यहाँ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0 एंड स्टिल एक्सपीरियंस यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन एंड हाउ दे आर ड्राइव। तो ये जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये उसकी बात कर रहे हैं। आपकी बुक के इसमें गिवन है पेज नंबर 46 और 47 पर ये तीनों ड्राइव मौजूद हैं विद ग्राफ है। तो इसलिए मैंने ये अलग से नहीं बनाई, आप इस बुक से ही इनको जो है देखेंगे और तैयारी करेंगे, ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें, हाउ डज़ द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन बिहेव्स। चूँकि एक्सटेंडेड क्वेश्चंस हैं, मतलब इनको एक्सप्लेनेशन देनी है, तो इसलिए मेरा ये जो क्वेश्चंस के आंसर हैं ये तकरीबन हो सकता है 3-3 या 4-4 पिक्स में हो। तो आपने ये जो है इनको रीड करना है तो रीड कर लें, तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास आप इनको नोट कर सकते हैं। ये बुक के अलावा आंसर्स मैंने बनाए हैं, आप चाहें
तो वेल एंड गुड है, बुक से बनाना चाहें तो बुक में भी ये जो एक्सटेंडेड क्वेश्चंस हैं ये आंसर्स इनके मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ये टाइम ग्राफ है, ये भी आपके बुक में भी मौजूद है तमाम चीज़ें, लेकिन जो मैंने आपको अलग से ये दे दिया है। अमूमन बच्चे यही कहते हैं कि सर वो सेम हो जाता है, कुछ बच्चों को बुक की वर्डिंग समझ नहीं आती, कुछ को हो सकता है जो मैंने दिया है, लेकिन मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करता हूँ लिखने की ताकि बच्चों को याद करने में जो है ना ज़्यादा मुश्किल अल्फाज ना आए, ताकि वो आसानी से इसको याद कर सकें, तो इसलिए आप देख सकते हैं इनको। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो हाउ डू द इनिशियल लॉन्च एंगल एंड वेलोसिटी अफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर मौजूद है, आप इसको देख लें। और यहाँ पे जो है मैंने वी वेलोसिटी के तौर पर लिया और एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के तौर पर, और फिर कॉस थीटा साइन थीटा वगैरह ये सब इसमें जो है आपको बता दिया, आपकी बुक में भी ये गिवन है और बताया हुआ है, सब मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये जो है, अच्छा ये मैंने इनके तो आंसर्स दे दिए हैं, MCQs हो गए आपके जो है यहाँ पर, कंस्ट्रक्टेड हो गए, एक्सटेंडेड हो गए, और अब जो न्यूमेरिकल्स हैं ना वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि असल में न्यूमेरिकल्स के चक्कर में मैं एक्सरसाइज भी नहीं करवा पा रहा, तो बच्चों को जो है ना मैं अलग से ये जो न्यूमेरिकल्स हैं मैं पहले 2-3 चैप्टर ये क्वेश्चन आंसर्स के करवा लूँ, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी आपको करवा दूँगा। थोड़ा टाइम की कमी है, ना केमिस्ट्री हो पा रहा है ना फिज़िक्स, बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ जो है जैसे ही वीडियो मेरी रेडी होती है तो मैं आप लोगों को ये आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।